प्रदेश में महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि मासूम बच्चियों के दुष्कर्मियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए, दोषियों को चौराहे पर लटकाया जाए। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। एमपी में नाबालिग बच्ची के साथ लगातार दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, कानून बहुत सख्त है मध्य प्रदेश में, और हम सबको गौरव होना चाहिए कि मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने छोटी बच्चियों के बलात्कार के लिए फांसी की सजा तय की और फास्ट ट्रैक अदालतों में मुकदमे चलाकर लगातार फांसी देने का काम भी तुरंत हो रहा है। ये चिंता सरकार और कानून कहीं कमजोर नहीं, संवेदनशील बहुत मजबूत है, पर समाज को अपना आत्मूल्यांकन करना होगा कि कहां संस्कारों में कमी आ रही है, क्यों संवेदनशीलता हमारी इतनी समाप्त होती जा रही है। जब तक हम हमारी नई पीढ़ी को अध्यात्म से, संस्कारों से, संस्कृति से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस प्रकार की नर पिशाच घटनाएं बढ़ती हैं और हम सबके लिए अपार कष्ट की बात है। वो दुष्ट छूटेंगे तो एक भी नहीं।